बहुत ही खौफनाक डिटेल्स हैं इसमें और इस खत की यकीनन अहमियत बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये इंटरफेरेंस एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या एजेंसीज की जानिब से पहली मरतबा हुई हो अदलिया की अदलिया के काम में, पहले भी हुई होंगी। कुछ जजेस ने इसको शायद दबाव की वजह से बर्दाश्त कर लिया हो, कुछ ने शायद अपनी खुशी के मुताबिक काम किया हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आज एक खत आता है जिसमें 6 जजेस उस खत को लिखते हैं तो उन पर तनकीद शुरू कर दी जाए। मेरे ख्याल से इसका जायजा लेने की जरूरत है और ये मसाइल काफी अरसे से हम तो रिपोर्ट कार्ड में या दीगर फोरम्स पर डिस्कस करते हैं, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी की बजाय मुझे कोई रीसेंट वाकया याद नहीं पड़ता जहां पे जो बैकडोर गुफ्तगू चल रही हो वो कोई मंजर आम पर लेकर आया हो। जिन डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आप सुने देखें पढ़ें इस लेटर में क्या लिखा है कि एक जज है, उनके बहनोई को किडनैप कर लिया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और उसके बाद एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ, उन जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। एक जज है जिनके घर लाइटों के पास से में ड्राइंग रूम में कैमरे निकलते हैं जिससे उनकी फैमिली की प्राइवेट वीडियोस और तस्वीर बनाई जाती है, और जब वो यूएसबी में देखा जाता है तो उसमें वो वीडियोज होती है जो तमाम जज बाद में बैठ के उसको इंडोर्स करते हैं कि हमने देखी ये चीजें। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खौफनाक डिटेल्स हैं। बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़े कि पहले क्यों नहीं कहा, हमें सवाल ये करना चाहिए कि क्या अब हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, और किस फोरम के जरिए आप इतना प्रेशराइज कर सकते हैं कि इस तरह के मामला को मेरे ख्याल से ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जहां तक एक बात जो आप बार बार पूछ रही थी कि अब ये क्यों यूनाइटेड खड़े हुए, एक तो फैक्चुअली ये बात गलत है, काजी फाइज ईसा के साथ मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा हुआ था और इसीलिए जब वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो रेफरेंस था उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, वो फैसला उनके हक में आया था क्योंकि मेजोरिटी जजेस उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि माजी में अगर किसी जज ने आवाज उठाई है तो उनके जो ब्रदर जजेस हैं उनके साथ नहीं खड़े हुए हों। उस मौके पे हमने देखा था कि ये बड़ा क्लियरली एविडेंट था। अब यहाँ पे मामला ये है कि जितने भी आज बार्स हैं उन्होंने कहा है कि जो फोरम है वो जुडिशियल कमीशन है, वहां पे ये मामला लेके जाए, जुडिशियल कमीशन में ये मामला लेके जाए, वहां पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आपने देखा होगा इसमें जज साहब ने, जो जजेस हैं उन्होंने दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए। उन्होंने कहा एक तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें बताया कि अगर इस तरह की इंटिमिडेशन होती है हम इसे रिएक्ट कैसे करें क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में इसका जिक्र नहीं है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हर जज जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं होता या काजी फाइज ईसा जितना बहादुर नहीं होता कि वो अपने केस को इंडिपेंडेंटली लड़े। तो यहाँ पे जुडिशरी को यूनाइट होके इसका मुकाबला करने की जरूरत है। बहरहाल एक इंस्टीट्यूशन की साख का यहाँ पे मामला है, इसीलिए वो जुडिशरी से कह रहे हैं कि आप एक कन्वेंशन बुलाएं, दूसरे हाई कोर्ट्स भी आके बताएं कि क्या उनके हवाले से भी उनके भी ये इश्यूज रहे हैं, क्या मुख्तलिफ जजेस को क्या थ्रेट किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, और अगर ऐसा है तो सब बैठ के इस पर बात करें और एक यूनाइटेड फ्रंट से इसका जवाब आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो जुडिशियल कमीशन पे ही इस पर बात होनी चाहिए और बेहतर होता है ये जो अभी फैसला था शौकत अजीज सिद्दीकी वाला इसमें, क्योंकि मुझे याद है जब ये हियरिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त जब ये इल्जाम सामने आए कि किस तरह जनरल फैज आए और उन्होंने धमकाया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक होंगे, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की केसेस में आपने जो है वो अपील नहीं फिक्स करनी है, तो उस पर उस वक्त काजी फाइज साहब ने कहा था कि आप अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो हमें उनको फिर नोटिस करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पहले तो अगले दिन ये हुआ था कि उसमें जनरल फैज का भी नाम डाल दिया गया था, आर्मी चीफ का भी, उस वक्त साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी नाम डाला गया था, बाद में जनरल बाजवा का नाम हटा दिया गया था, लेकिन जो वर्डिक्ट आया है उसमें उनकी जो पेंशन वाला मामला है वो तो बहाल हो गया, और ये भी कहा कि उनकी जो बर्तरफी थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से वो गलत थी, लेकिन जो कोई इन्वेस्टिगेशन का हुक्म नहीं दिया गया कि जिस तरीके से जनरल फैज ने धमकाया या थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की उस हवाले से उस ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे इन खत में ये लिखा हुआ है कि अगर उसको एड्रेस किया जाता अब किस तरह से, क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं रीमा और कयूम साहब के सामने भी ये रखूंगी सवाल कि क्या गलत फोरम है, क्योंकि कहा जा रहा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं उठाना के पास नहीं लेके जाना चाहिए, तहकीकात पार्लियामेंट या किसी और के पास जानी चाहिए। ये मेरे ख्याल से लीगल एक्सपर्ट ये ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या ये जुडिशियल कमीशन में इसकी तहकीकात मुकम्मल तौर पर हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन जो आप बार बार बात पूछ रही हैं कि ये अब क्यों यूनाइटेड है, मैं उसको जरा जवाब देना चाह रहा था। उसकी वजह ये है कि मैं अपने सियासी तजियों में रिपोर्ट कार्ड में ये कहता रहा हूं कि देखें ये इंटरफेरेंस बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन हम गुजरते हुए वक्त के साथ अपनी लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे इलेक्शन के मामलात हों या जुडिशरी के मामलात हों, और आई थिंक ये चीज नजर आ रही थी कि एक पॉइंट आएगा जहां पर ये शायद इसी तरह के नतीजे वहां पर निकले कि लोग आके पब्लिकली इस पर बात करना शुरू हो जाए, और ये नजर आ रहा था कि इंटरफेरेंस हमेशा होती है, लेकिन एक इंटरफेरेंस बिल्कुल है, वो पॉइंट बिल्कुल है, हमने कब सोचा था, कब हमने देखा है पहले माजी में
कि जजेस आके, छह जजेस एक कोर्ट के आके इस तरह से बात करें।